नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा भारत का संविधान है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो उसका हिस्ट्री क्या है, वो कैसे बना और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट कैसे कैसे टाइम के साथ हुए हैं, तो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी लोग RRB JEE एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2019 के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत बड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। तो कोई भी कंट्री जब बनती है, तो उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स या नियम जो भी होते हैं चाहिए होते हैं। तो उसको एक तरीके से लिखा जाता है, एक तरीके से क्रमबद्ध करके उसको स्टोर किया जाता है, ताकि कभी भी उसका यूज़ किया जा सके, उसमें जो लॉ लिखे हुए हैं। तो इसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, यानी कि ऐसा लॉ है जिसके आगे दूसरा कोई लॉ प्रभावी नहीं है। और जो भी इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, उसमें जो जो आपका है पॉलिटिकल कोड है, स्ट्रक्चर है, और जो जो प्रोसीजर होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो जो पावर्स दिए गई हैं पार्टीज को, गवर्नमेंट को, वो इसमें लिखी हुई हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या हैं और कैसे कैसे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो यहाँ के सिटीजन्स हैं। और साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी इसमें लिखे गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जनरली वो होते हैं जिसमें स्टेट को डायरेक्शन दिया गया होता है कि जो जो भी काम है वो स्टेट को करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्टेट उस काम को करेगी। और आपका जो अगला है वो है ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। और साथ ही साथ नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं, यानी कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। तो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम आगे बात करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था, उसका हिस्ट्री क्या था, मतलब वो उसके बनने में कौन कौन से स्टेप आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भारत का संविधान है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑन द अर्थ। मतलब अभी तक कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया से कंपेयर कर सके, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस टाइम जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप सभी लोग इनसे परिचित तो होंगे ही। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उनको जो है जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका चीफ आर्किटेक्ट, यानी कि मुख्य आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। जो ये असेंबली बनाई गई थी वो आपकी 26 नवंबर 1949 को बनाई गई थी। और जो 26 नवंबर 1950 को जो है आपका ये जो संविधान है लागू हो गया था। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना बना हुआ है, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसका कुछ पार्ट लिया गया है। और साथ ही साथ जो पहले जो अपना इंडिया था, डोमिनियन ऑफ इंडिया स्टेटस था, वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में चेंज हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है डोमिनियन ऑफ इंडिया और एक है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। डोमिनियन का मतलब होता है कि कोई भी पार्ट या टेरिटरी है जो किसी कंट्री के अंदर है, वो ऑटोनोमस है, पर उनको ये फ्रीडम नहीं है कि उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं और जो उनका कम्युनिकेशन है, उनका उनको मतलब राइट नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं डोमिनियन के अंदर आती हैं। लेकिन जो रिपब्लिक होता है, रिपब्लिक में जो इंटरनल के साथ साथ जो एक्सटर्नल अफेयर्स भी होते हैं, वो भी कंट्री जो है, टेरिटरी जो है, डील कर सकती है। तो ये दोनों में फ़र्क हो गया। तो हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंडिया को कैसा बनाता है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंडिया को एक सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाता है। ये जो आपके सामने वर्ड दिखाई दे रहे हैं, इनके कुछ स्पेसिफिक मतलब हैं। तो जो सॉवरन है, इसका मतलब होता है हिंदी में संप्रभु, मतलब कि कोई भी बाहरी ताकत इंडिया के जो है इंटरनल अफेयर्स में आपके हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। दूसरा जो वर्ड है सोशलिस्ट, इसका मतलब होता है कि जो भी सोसाइटी है उसमें कोई भी चीज़ है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए।
सेक्युलर का मतलब तो आपको लगभग पता ही होगा, इसका मतलब होता है कि जो इंडिया एक कंट्री है इसमें कोई भी धर्म नहीं है, मतलब इसका कोई नेशनल कोई भी रिलीजन नहीं है। इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है और इसमें सारे धर्म के लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट होगी वो लोगों के द्वारा ही इलेक्टेड होगी। और इसके साथ ही साथ यहाँ के जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी के जो हैं राइट्स दिए गए हैं, और साथ ही साथ फ्रेटर्निटी का जो है कॉन्सेप्ट भी आता है यहाँ पे। तो चलिए, ये तो बात थी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। अब हम बात करेंगे कि इसके जो बनने में इसके बनने से पहले कौन कौन से और प्रपोजल आए थे ब्रिटिश इंडिया में, जिसके द्वारा आपका जो है डेवलपमेंट हुआ था। तो पहला पहला जो एक्ट आया था उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और दूसरा है पीट्स इंडिया एक्ट 1784, और तीसरा है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 चार्टर, और फिर अगला आएगा आपका चार्टर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, उसके बाद है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, और उसके बाद आपका आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड फाइनली आपका आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो ये जो सारे एक्ट थे आपके भारत का जो संविधान बना था उसके पहले आए हैं। अब इसमें से जो दो इम्पॉर्टेंट हैं उनके नाम हैं ये हैं, ये दोनों आपको जो दिख रहे हैं, ये है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसका एक दूसरा नाम भी है, उसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो एक्ट, जो आपका आया था मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया था। और जो आपका दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इसको अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो ये जो आपके हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले के जो भी एक्ट आए थे वो हैं। अब चलिए चलते हैं कि टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन मतलब कि क्या क्या जो है डेवलपमेंट किस टाइम पे हुए थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है आपकी, वो बनी थी 9 दिसंबर 1946 को, और उसके जो पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो एक टेम्प्रेरी चेयरमैन थे, और 2 दिन बाद ही जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो चेयरमैन बन गए थे उनको जो है इलेक्ट किया गया था मेंबर्स के द्वारा, और ये 11 दिसंबर को बने थे। और जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इसमें टोटल 11 सेशन हुए थे टोटल, और जो इसका ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टोटल अपने को मतलब 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। इसके बाद आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, उसको जो फुल्ली एंड फाइनली जो अडॉप्ट किया गया था वो डेट थी 26 नवंबर 1949। इस डेट को जो है आजकल हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से मनाते हैं, यानी कि संविधान दिवस। तो इस डेट को आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट डेट है 26 नवंबर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बताया गया कि आपको अभी चेयरमैन हैं वो थे। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे आप देखेंगे कि जो द रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी, मतलब ये जो आर्टिकल आपको दिख रहे हैं इनको जो है इसी डेट को इन्फोर्स कर दिया गया था, लेकिन जो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बचा था उसको जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो अब आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो आप आज सारनाथ का जो लॉयन देखते हैं, जो अशोका अशोका का जो चिन्ह है वो भी 26 जनवरी 1950 को ही जो है अडॉप्ट किया गया था, और जो अपना जो झंडा है अभी नेशनल फ्लैग है उसको जो है 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसके अलावा और भी फैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अभी अपना कैलेंडर शक संवत वाला जो कैलेंडर है, जिसमें आपका जो चैत्र महीना होता है पहला होता है, और उसमें भी 365 दिन ही होते हैं, वो भी 22 मार्च 1957 को जो है अडॉप्ट किया गया था। और जो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगणमन अधिनायक जय है, जो बंगाली में है और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा हुआ है, उसका जो हिंदी वर्जन था वो आपका 24 जनवरी 1950 को इंडिया ने अडॉप्ट किया था नेशनल एंथम की फॉर्म में, और इसको पहली बार जो है 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता सेशन में गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के।
तो ये थी अभी तक की, हमने देखा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसका टाइमलाइन क्या था, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था। अब हम आगे देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे, मतलब उसका कंपोजिशन क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसमें कई सारे आर्टिकल होते हैं, कई सारे पार्ट होते हैं। तो हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है उसमें बहुत सारे पार्ट हैं, आर्टिकल हैं, और उसमें भी एक इंट्रोडक्शन भी है जिसको हम प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। तो पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि प्रियम्बल क्या होता है। तो कोई भी कंट्री जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है तो उसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन को पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो उसके लिए उनको एक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है जो मिनिमम वर्ड्स में अपना जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बता सके। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो आप देख सकते हो, ये आर्किटेक्चर की फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसको जो लिखा है उनका नाम है, जो आर्टिस्ट ने लिखा है उनका नाम है जोहर राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने इसको बनाया है। आप देख सकते हो ये बहुत ही फेमस है, आपको विकीपीडिया पर मिल जाएगा। तो इसने क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो इंडिया अपना है वो एक सॉवरेन यानी कि संप्रभु डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और जो इसके अपने सारे जो नागरिक हैं उनको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज़ को बताता है। और ये आपका प्रियम्बल हो गया। तो अभी मैं इस वीडियो में इतना ही चाहूँगा कि आप इतना ही जानो। अगले तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके अलावा आप हमारे चैनल पे कई सारे वीडियोज जो पहले से अवेलेबल हैं उनको भी देख सकते हैं, जिसमें आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर ओपेक हो गया, या फिर आपका FATF हो गया, या फिर आपका आशियान हो गया, या फिर आपका बिमस्टेक हो गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर आपका नेटो हो गया। इसके अलावा आपका शेंजेन एरिया और यूरो जोन में क्या डिफरेंस है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये सारे वीडियो आपको जो है हमारे चैनल पे एक इंटरनेशनल रिलेशन नाम से जो है प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे जो आई बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके भी इन वीडियोज को देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।